एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कुर्ता विद शरारा सेट हॉल। और इससे पहले भी मैंने इसका फर्स्ट पार्ट शेयर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से उस पर क्लिक करके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कुर्ता विद शरारा सेट, और ये बहुत ही एलिगेंट कुर्ता और शरारा सेट है। वेडिंग वियर, वेडिंग के अकॉर्डिंग ही मैंने परचेज किया, वेडिंग पर्पज से ही है, लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल और एलिगेंट है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे कुर्ता और शरारा सेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो फर्स्ट कुर्ता सेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है ब्रांड गेरुआ से। तो ये पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये आपको मिलेगा बेज कलर में। तो बेज कलर का जो ये कुर्ता सेट है, प्लस इस पर आपको छोटा छोटा जो है पिंक कलर से ब्लॉट प्रिंट मिलेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है वियर करने पर भी। प्लस इसका जो पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये पैनल्ड स्टाइल में आपको मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। ये स्लीवलेस मिलेगा, तो स्लीवलेस जो वियर करते हैं वो इसे वियर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा यूनिक स्टाइल का मुझे ये कुर्ता सेट लगा। तो ये आपको पैनल्ड स्टाइल में मिलेगा, राउंड नेक मिलेगी, स्लीवलेस मिलेगा। फैब्रिक की बात करें तो ये आपको प्योर कॉटन फैब्रिक में मिलेगा, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इसका, इसमें अंदर कोई भी लाइनिंग नहीं दी हुई है, और बहुत ही सिंपल और एलिगेंट कुर्ता सेट है। अगर आप फेस्टिवल अकॉर्डिंग वियर करते हैं, ओकेजन में वियर करते हैं, आपके घर में मैरिज है उस अकॉर्डिंग भी वियर करते हैं, काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लुक है इसका, और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो कुर्ता और जो शरारा है दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक प्रिंट किया हुआ है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और साइज़ की मैं बात करूँ, इसमें मैंने स्मॉल साइज़ परचेज़ किया है, डबल एक्सल तक का साइज़ आपको इसमें मिंत्रा पर मिल जाएगा। प्राइस है इसकी 1084 रुपीज़, उस अकॉर्डिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस, ये मस्ट बाय है, और ये आपको विदाउट दुपट्टा मिलेगा। तो अगर बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. तो गाइस, जो नेक्स्ट कुर्ता सेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है ब्रांड नायो से, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव सा ग्रीन और ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन में कुर्ता सेट है, और काफ़ी अट्रैक्टिव है ये। इसका मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये आपको प्योर कॉटन मटेरियल में मिलेगा। शरारा और कुर्ता 3-4 स्लीव्स है, वी नेक में आपको ये मिलेगा, प्लस इस पर जो है पूरे पे फ्लावर प्रिंट किया हुआ है, इसमें भी अंदर कोई भी लाइनिंग नहीं दी हुई है, लेकिन फैब्रिक इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 3-4 स्लीव्स मिलेगी, और लेंथ की हम बात करते हैं कुर्ते की, तो ये अबव नी आपको मिलेगा। प्लस इसका शरारा में काफ़ी अच्छा जो है फ्लेयर दिया गया है, प्योर कॉटन में है। और दुपट्टे की हम बात करते हैं, ये आपको ऑरेंज कलर में मिलेगा, कोटा डोरिया जैसा इसका फैब्रिक है, थोड़ा थोड़ा सुपर नेट टाइप में, पर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दुपट्टा है, और पूरे पे आपको ऑरेंज कलर का दुपट्टा मिलेगा, और साइड में आपको गोल्डन कलर की पूरे पे ऐसे जरी वाला बॉर्डर दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। दुपट्टे पे भी नीचे जो है थोड़े ये टसल्स दिए गए हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, और पीछे बैक में आपको इसमें 2 डोरी मिल जाएंगी, उसमें भी टसल्स मिलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव कुर्ता सेट लगा मुझे, ये कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें भी मैंने साइज़ जो परचेज़ किया है वो है स्मॉल, डबल एक्सल तक का साइज़ इसमें अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हैं। और गाइस, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगे दोनों कुर्ता सेट। प्राइस की बात करते हैं तो ये 1500 रुपीज़ के आसपास है, तो ये भी मस्ट बाय है अगर आप परचेज़ करना चाहें तो। I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. I've never got no regret. The hours I've been putting in, so take a chance on faith. तो
गाइस, आई होप आपको मेरी चॉइस पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा कुर्ता सेट ज़्यादा पसंद आया। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।